या मास्क में छिपा है धमाके का कसूरवार? टोपी के पीछे किसका छिपा है चेहरा? बैग में कहां से बेंगलुरु तक पहुंची साजिश? बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे का सामने आया सच? सिर पर सफेद टोपी, मास्क में छिपा चेहरा और कंधे पर लटका एक बैग। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के सिलसिले में सामने आई इस एक तस्वीर ने सारी जांच की दिशा और दशा बदल कर रख दी है। इसके अलावा इस धमाके को लेकर जो सुराग अभी तक धुएं के गुबार में छिपे थे, वो तस्वीर भी अब साफ होती दिखाई दे रही है। बेंगलुरु ब्लास्ट के एक दिन बाद यानी शनिवार को एक संदिग्ध की पहली तस्वीर सामने आई। रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के सिलसिले में ये एक बड़ा सुराग माना जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स टोपी, मास्क और हाथ में आईडी से भरा बैग लेकर कैफे में दाखिल होता है और फिर उसे वहां रख कर चला जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार यानी 1 मार्च को धमाका हुआ। कैफे में रखे गए विस्फोटकों से भरे बैग के जरिए धमाके को अंजाम दिया गया। रामेश्वरम कैफे बॉम्ब ब्लास्ट केस में बेंगलोर पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा संदिग्ध मास्क मैन अब बेंगलोर पुलिस के लिए मिस्ट्री मैन बन चुका है। बेंगलोर पुलिस ने रविवार को रामेश्वरम कैफे के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की रूट मैपिंग की जा रही है। उसी दौरान एक सीसीटीवी बस में बकायदा मास्क मैन इस बस स्टॉप पर एक बस से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। बस से उतरकर वो रामेश्वरम कैफे जाता है और ठीक 1 बजे आईईडी धमाका हो जाता है। पुलिस लगातार उस मास्क मैन की तलाश कर रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मास्क मैन को अनमास्क करने की तैयारी है। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके में मौजूद रामेश्वरम कैफे शहर के सबसे फेमस कैफे में एक है। बकौल पुलिस, संदिग्ध शख्स ने कथित तौर पर बैग कैफे के भीतर रखा और धमाका होने से पहले वहां से गायब हो गया। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध के साथ देखे गए एक शख्स को हिरासत में लिया गया और बेंगलुरु पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ये व्यक्ति बेंगलुरु का ही रहने वाला है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम फिलहाल उससे पूछताछ में जुटी है। रामेश्वरम कैफे में हुआ यह धमाका शुक्रवार की दोपहर 12:50 से 1 बजे के बीच हुआ। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्लास्ट का मुख्य संदिग्ध अपने चेहरे को मास्क से ढके हुए है, उसने चश्मा लगाया हुआ है और सिर पर टोपी पहनी हुई। उसे कैफे के भीतर इडली लेकर जाते हुए भी देखा जा सकता है। ब्लास्ट की वजह से कैफे में मौजूद 10 लोग घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद फॉरेंसिक और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने मौके वारदात का मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज से सबूत इकट्ठा किए गए। सीसीटीवी में दिखी कैफे के पास से गुजरी बस। मास्क मैन अब पुलिस के लिए बना मिस्ट्री मैन। बेंगलुरु पुलिस ने ब्लास्ट के सिलसिले में UAPA और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और बम निरोधक दस्ते विस्फोटक की बारीकी से जांच कर रहे हैं और अब तफ्तीश के लिए NIA की टीम भी मैदान में उतर चुकी है।